स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस में और जिसकी टाइमिंग थी 7:50 PM टू और हम अर्ली मॉर्निंग आई थिंक अर्ली मॉर्निंग तो नहीं 9 AM हम रीच करेंगे अहमदाबाद जंक्शन। तो ये इसका AC 110 का पूरा कैबिन है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे जो जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं और कैसा एम्बियंस है, कैसा एनवायरमेंट है और कैसे ट्रीट करते हैं रेलवे समय जो जो सुविधाएँ प्रोवाइड करते हैं, तो उसके बारे में आज आपको फुल मैं जानकारी देने वाली, ब्लॉग बनाने वाली और स्टेप बाई स्टेप आपको दिखाने वाली कि हम ये ट्रैवलिंग कैसे करेंगे। योग क्या कर रहे हो? अपना स्टोरेज करनी हो तो AC 2 में भी है, AC 3 में भी, दोनों में। अच्छी लग रही है ना, पूरी केयर करना। युग ये बद्रीनाथ तुलसी, ये वाला कौन सा प्लांट है? शहतूत श्रीनगर बड़े खाते थे। थैंक यू सो मच सर, हम व्लॉग्स बनाते हैं तो इसको डालेंगे। आपका गुड नेम बदौरिया। ओके थैंक यू सर। फूल है, मैं ना दूंगा मुझे बहुत ऑक्सीजन। मम्मी ये बटर भी डाल दो हमें सिंपल।
बात है, ये पेड़ जो है ना बहुत बढ़िया लग रहे हैं, लुक क्रेज बढ़ा रही इसमें। या फिर क्या बने मम्मी, यात्रा तुलसी होगी, तुलसी वैसे शुभ होती है घर में। अगर ट्रेन के अंदर मतलब जैसे प्लांट इंडोर वाले होते हैं ना, अगर रखने लग जाएंगे तो उसका ग्रेस अलग ही होता है। मम्मी अपना शिवलिंग लेके आए, मुझे लगा था मम्मी ने सब तक पहले टेक लो। एक एक्स्ट्रा ट्रे है ये, मम्मी को पकड़ा देती ना आराम से, बाउल में वो ना होती नहीं दिक्कत नहीं रखती। ये भी रखो आप पूरे, ये लिखूंगा तो फिर ही आ जाएगा। दाल है, दही है, राइस और चिकन भी है दोस्तों। अच्छा ओके, और चिकन भी है, शाही पनीर लग रहा है, रोटी है, अरहर की दाल है, अरहर की दाल है। दिल वालों के तो
हम तो हैं दिल वाले, लेकिन अहमदाबाद और गुजरात की भी अलग बात है। तो ये जो राजधानी एक्सप्रेस है, इसमें दिल्ली से भी रिलेटेड आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी और गुजरात की भी छाप छोड़ी गई है। हर मॉन्यूमेंट की पिक्चर्स लगा के बड़े अच्छे से आपको दिखाया गया। तो मैं आपको एक एक पिक्चर दिखाऊंगी। सबसे पहले H1 जो हमारी बोगी है, उसमें साबरमती, इसका भी आपने ब्लॉग मेरे चैनल पर देखा होगा, साबरमती आश्रम बहुत ही अच्छा आश्रम बना रहे हैं, अहमदाबाद में आपको मिलता है। तो और फिर हमारा नेशनल फ्लैग, अपने देश से ऊँचा और देश से बहुत कुछ नहीं होता। फिर बाकी हम वर्सटैलिटी की बात करते हैं कि देश में क्या क्या विभिन्न चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो नीट एंड क्लीनलीनेस की बात करें तो स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस क्लीनलीनेस के लिए जानी जाती है। कैबिनेट बड़े अच्छे बना रखे हैं, कर्टन अच्छे से लगा रखे हैं, दही बड़ी हुई पिंक आपको देखने को मिलेगी। तो काफ़ी कुछ लाइट भी आप चेक करेंगे तो ऊपर पूरे देखिए लाइट पता चल गया, उनको भी बहुत अच्छी है। और सभी मैंने फुल सीज का ही अपन पहनने पाने के लिए स्मॉल टी पहनी थी, मुझे लगा कि ठंड सी लग रही थी। और देखिए अभी बिल्कुल मई का महीना चल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, लेकिन यहाँ पर इतनी कूलिंग है ट्रेन की बोगी में कि आपको, मेरी मदर लॉ ने तो टू ब्लैंकेट ले लिए, लेकिन मैं नहीं, तो वन ब्लैंकेट में तो हमें भी सोना पड़ेगा, काफ़ी अच्छी कूलिंग है। उस चीज़ के लिए मैं 10 out of 10 लूँगी। और मैं बिल्कुल आपको अपनी जर्नी की बता दूँगी कैसे मैं यहाँ तक आई। फिर काफ़ी ज़्यादा गर्मी, आप लोगों को पता है दिल्ली में कितनी ज़्यादा गर्मी है, 38 टेम्परेचर अभी चल रहा है। वो तो चलो 2-3 दिन शुक्र है थोड़ी बूंदाबांदी होगी तो राहत मिली, अदरवाइज 42 पे टेम्परेचर चल रहा था। बट जब आप ट्रैवल कर रहे होते तो बहुत गर्मी लगती है, सडन आपको बड़ा रिलैक्सिंग फील होता है। बड़ी स्मूथ जर्नी है, इसलिए मैं प्रेफर कर रही थी। ठीक है, अगर मुझे लॉन्ग रूट पर चलना है, अगर मुझे बाई एयर नहीं जाना, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ थोड़ा ना हेजिटेट और फियर फील होता है बाई, तो हमें लगा कि चलो किसी 110 में ट्रैवल करके देखा जाए। तो आज हम मम्मी को लेके आए हैं इस ट्रेन में और मैं आपको अपना पूरा सफ़र बताती हूँ। हमने देखिए दिल्ली मेट्रो से चलना मैं ज़्यादा प्रेफर देती हूँ। इसके रिगार्डिंग जितने भी लोग दिल्ली में रहते हैं उन सबको पता है कि दिल्ली का जो ट्रैफिक है ना, वो किलिंग है। अगर मतलब ना बंदा इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, अगर उसे 10 मिनट के डिस्टेंस पे जाना है वो उसे 4 घंटे लग जाते हैं अगर वो गाड़ी लेकर निकल गया, तो वो स्टूपिडिटी है। बेटर है आप मेट्रो से ट्रैवल करिए जल्दी, विदाउट गर्मी आप जितनी कूलिंग में चलोगे ना वो बेटर रहता है। तो आई थिंक मैं तो मेट्रो से ट्रैवल कर, जानते हैं मेरी रील्स भी देखते हैं। तो अभी भी सरोजिनी नगर का भी ब्लॉग मैंने बनाया था, वो भी जल्दी आपको देखने का मिलेगा। सरोजिनी नगर मार्केट वर्ड सीपी हुआ तो बहुत रश हो जाता है वहाँ पे। हम लोग तो हम दिल्ली मेट्रो के बारे में बात, कन्वीनियंट और ईजी है अगर आपको ट्रैफिक चलता है मेट्रो से ट्रैवल करके, सीधे आपको दिल्ली रेलवे स्टेशन की मेट्रो बन जाती है। बिल्कुल मेट्रो स्टेशन से निकलते आप सीधे स्टेशन पर पहुँचते हैं और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ये स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस लगी मिलती है आपको। 7:50 का टाइमिंग होता है, 7:50 PM पे ये अपनी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ती है और सुबह 9 बजे एग्जैक्टली अहमदाबाद जंक्शन पहुँच जाती है। ये तो मैंने इसकी टाइमिंग्स के बारे में तो मैं आपको बता रही थी, 9 बजे हम अहमदाबाद पहुँच जाते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर के बारे में भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, कैसे आपको आना है, जो भी नियर बाई हरियाणा से आ रहे हैं, भादोगढ़ दिल्ली कहीं से भी, तो सीधे मेट्रो चलती है। मेट्रो स्टेशन से निकलते ही आपको 2 स्टेप्स आई थिंक हार्डली 500 मीटर चलना है नीचे और आप पहुँच जाएंगे दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो काफ़ी कन्वीनियंट और ईजी रास्ता है, कोई भी ट्रैवल कर सकता है। गूगल पे भी आप सर्च करके, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे जा चुकी है, आप अपनी लाइव लोकेशन डालिए और जहाँ पे भी आप रीच करना चाहते हैं उसमें 3 ऑप्शन होते हैं। आप राइड से जा रहे हैं, ट्रैवल कार से ट्रैवल करना है, बाई स्टेप्स बाई वॉक जा रहे हैं, तो बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। थोड़ा अपडेटेड रहना ज़रूरी है, आज की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हमें साथ साथ चलना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे जब मैंने एंट्री करी, आई थिंक 7:15 के अराउंड ये लग जाती है और 7:15 पे चलते आधा पौना घंटा होता है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो हमने जाकर पहले शावर लिया, बहुत ही नीट एंड क्लीन वॉशरूम था, बाथरूम था वो, और टॉयलेट अलग है। तो अलग अलग जो पार्टीशन है उसमें भी 2 फैसिलिटीज़ हैं, अगर आप शावर हेड से लेना चाहते हैं तो ऊपर वाला शावर ऑन कर सकते हैं, और अगर आपको हैंडल वाला यूज़ करना है कि ठीक है आपको सिर्फ बॉडी वॉडी पे लोअर बॉडी पे नहाना है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ईजी और हैंडी चीज़ें लगा रखी हैं, सोप भी बिल्कुल फिल्ड था तो कोई दिक्कत नहीं आती आपको। फिर आपको थोड़ी देर में आपका पूरा पार्सल पैकेज बन जाता है कि ठीक है आपके ऊपर लो, और बेडशीट एक ओढ़ने के लिए और एक
आपको अगर बचा के आराम से सोना है और फिर ब्लैंकेट मिलता है, टावल मिलता है वाइट कलर का, नीट एंड क्लीन में बिल्कुल सैनिटाइज हुई, तो कोई इशू नहीं है क्योंकि जैसे हम सुबह पहुँचेंगे तो साथ के साथ सफाई होती रहती है ट्रेन की। फिर हम लोग थोड़े सेटल डाउन हुए, उसके बाद हमें सबसे पहले स्टार्टर में मिला फ्रूटी का पैकेट मिला, टेट्रा पैक होता है, मतलब आई थिंक 20 MRP था उसका, थोड़ा बहुत ML समथिंग था, तो वो ठीक है, इतना कन्वीनियंट रहता है। पानी की बॉटल मिलती है आपको चिल्ड बढ़िया, और आप जैसे नॉर्मल लेना चाहते हैं तो नॉर्मल भी ले लो, गर्मी का सीज़न है तो बिल्कुल चिल्ड बढ़िया रेलवे की IRCTC की जो पानी की बॉटल है रेल करके, तो वो हमें प्रोवाइड करते पर पर्सन, मतलब जितनी भी अगर आप 3 सीट बुक करते हैं तो आपको 3 बॉटल मिलेगी, और आपको अगर ज़्यादा चाहिए तो आप और भी ले सकते हैं पानी की, ऐसी कोई फाउंडेशन नहीं कि आप सिर्फ 1 बॉटल में रिजर्वेट का भी करेंगे, वो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं हेल्पर जितने होते हैं यहाँ पे कर्मचारी होते हैं रेलवे के, वो आपको प्रोवाइड करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद आई थिंक आधे घंटे बाद हमें सूप मिला, टोमेटो सूप, बहुत अच्छी कटलरी में आया था, बोन चाइना के जो बाउल्स होते हैं, और इतनी अच्छी ट्रे में थी विद टिश्यू पेपर और चॉपस्टिक्स, उसके साथ आप अपने बटर में लगा के आराम से खा सकते हैं, तो उसकी आपको क्लीन देखने को मिल सके। देन उसके बाद 9 बजे आपको डिनर मिलता है, 9:15 बजे स्टार्ट हो जाता है, 9 बजे आपको मिल जाता है, उसमें भी आपको ना बार बार गर्म गर्म सर्व करने आते हैं, जो हॉट एक चीज़ मिस कर गई, क्योंकि इतनी सारी बातें बताने के लिए बंदे के माइंड से स्किप हो सकती, तो सॉरी फॉर दैट। और थोड़ा अच्छा एंटरटेनिंग हो जाता है, ब्लॉपर्स नहीं होता है जैसे ठीक है कुछ बीच में पंच वाला काम हो गया, तो स्टार्टिंग में हमें रोज़ भी दिए थे बड़े फ्रेश पैकेट्स के, इतनी अच्छे उसमें ना स्पार्कल्स डाल रखे थे, और बहुत अच्छे से जैसे कोन बना रखा था, स्मॉल काइंड ऑफ बुके, सिर्फ एक सिंगल रोज का पर पर्सन, आपको जितने भी आप ट्रैवल कर रहे हो सबको रोज देते, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। एक ट्रे में एक भैया में एक ट्रे में जैसे टीटी के साथ एक हेल्पर आता है वो सबको रोज देता है, तो काफ़ी अच्छा लगा, ग्रीट करा और काइंडली बिल्कुल ना नमस्ते करके स्टार्टिंग होती है, नमस्कार करा फिर सबको रोज दिए, तो वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब मैंने इससे पहले भी ट्रैवल करा, जैसे मैं गई थी दिल्ली टू कोची भी मैंने एक बार बाई ट्रेन ही ट्रैवल करा था, वो एक्सपीरियंस भी अच्छा था, लेकिन स्वर्ण जयंती का एक अलग ही एक्सपीरियंस मैंने आज देखने को मुझे मिला, जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा फील हुआ। फिर मैंने आपको बता दी थी पहले रोज मिला, फिर पानी की बॉटल, जूस, देन आधे पौने घंटे बाद सूप मिला, और फिर डिनर। डिनर के बारे में बात करी थी, गर्म गर्म बढ़िया फॉइल पेपर में रैप करके आपको 2 पराठे मिलते हैं, और फिर राइस मिलते हैं, और अरहर की दाल थी, और मिक्स वेज थी, और पनीर था, और नॉन वेज में पनीर की जगह आप चिकन ले सकते हैं, जैसे चिकन करी था दीप ने कहा था, मैंने नहीं खाया, तो पनीर काफ़ी टेस्टी था, ग्रेवी भी काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि पनीर शाही पनीर तभी अच्छा लगता है जब उसकी ग्रेवी अच्छी हो, तो ऐसा कुछ नहीं कि पतली सी कुछ तरी बना दी और उसमें हार्डली एक दो, पूरा बाउल में अच्छी ग्रेवी के साथ ही हमें सर्व करते हैं, और वो चाइना की अच्छी क्रॉकरी होती है एक ट्रे के साथ, ट्रे में बढ़िया टिश्यू पेपर में रखे होते हैं, सैनिटाइजर भी देते हैं, वेट वाइप्स भी मिलती हैं आपको, तो काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी हैं। और जो मिल्टन के हॉटपॉट होते हैं उसमें ये सर्व करने आते हैं, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन फुली ड्रेसअप, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में ट्रैवल करते हो, जैसे रेस्टोरेंट में विजिट करते हो तब वो फुल गेटअप में होते हैं, तो ब्लैक कलर की शेफ वाली ड्रेसेस और विद कैप पहन के आते हैं और आपको सर्व कर रहे होते हैं। फूड अनलिमिटेड होते हैं, आप अपनी डाइट के अकॉर्डिंग उसको चुनना हो, लेकिन इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है, थोड़ा थोड़ा बंदा गया ना उसी में पेट भर जाता है। मैंने चावल भी बट मैंने नहीं है, सिर्फ मैंने 2 पराठे खाए थे। मुझे पर्सनली मिक्स वेज बड़ी अच्छी लगी, दही भी थी उसमें, और ब्लैक पेपर के शशे और सॉल्ट भी मिलता है जिसको दही में डालना और सूप में डालना, तो काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। फिर थोड़ा सा गैप दे के आई थिंक 20-25 मिनट और गैप उन्होंने दिया, फिर उन्होंने वेनिला की आइसक्रीम सर्व करी, वो 1 टाइम सर्व देखी, उसमें तो मैं ही नहीं कह सकती कि आपको अनलिमिटेड आइसक्रीम मिलेगी, लेकिन 1 कप सर्व होता है, हार्डली किसी का ज़्यादा मन करा तो भाई 2 कप्स खा लो। मुझे याद है जब मैं प्रयागराज राजधानी होती थी इलाहाबाद से, जब मैं दिल्ली आती थी तब मैं 6 साल में होती थी, अब 2 9th मैंने 4-5 साल प्रयागराज एक्सप्रेस में ट्रैवल करा, तब मैं और मेरा भाई तो 2-3 कप ले लेते थे अंकल से कि भाई छोटे बच्चे होते तो बच्चे तो मांग लेते हैं, अब तो थोड़ा डिसेंटली बिहेव करना चाहिए आई थिंक, और आपके पेट में जगह ही नहीं बचती, आप इतना खा लेते तो कहाँ पे 4-5 आइसक्रीम खाओगे। फिर हमने आराम से अपने वापस वॉश मशीन के पास जाके अपने फ्रेश व्रेश करके आराम से रिलैक्स हो गए। इस टाइम पर ब्लॉग शूट कर रहे हैं, लोग काफ़ी लोग सो चुके हैं, तो मुझे लगा कि आपको रिलैक्स होकर आराम से सारी एक एक चीज़ की डिटेल दी जाए, तो जिन लोगों को ये ब्लॉग पसंद आए एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी चर्पिंग जितनी भी आप चर्पिंग है या इन्फॉर्मेशन को आप हमारे ब्लॉग को कितना पसंद करते हैं, कितना प्यार देते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और अपडेट करने के लिए आप कुछ भी अपनी क्वेरी मुझसे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली पूछ सकते हैं। तो मैं आपसे अलविदा लेती हूँ, राम से 11:45 देखिए। तो मैं और दीप जा रहे हैं सोने, और मॉर्निंग में हम आपको ब्रेकफास्ट के बारे में फुल डिटेल देखिए। मैं अपने कैबिन में जाती हूँ और जाके आराम से सोती हूँ। 11:45 हो चुके हैं, 11 बजे से ले ले लीजिए, रात के टाइम में सोना चाहिए, आज थोड़े लेट हो गए हैं। और मॉर्निंग में आपको जैसे मॉर्निंग की सर होगी फिर ब्रेकफास्ट मिलेगा, उसके बारे में मॉर्निंग में डिटेल दूँगी। तब तक के लिए बाय। देखा नज़ारा, ये है रिवर फ्रंट, साबरमती रिवर है ये। इसके बहुत पॉजिटिव मेमोरी, फिर एक ही नेगेटिव पार्ट मुझे याद आता है। आप लोगों को याद होगा कि आयशान जो सुसाइड केस हुआ था वो यहीं पर रिवर फ्रंट पे हुआ था। बहुत ही क्यूट सी और प्यारी सी एक लड़की थी जो परेशान हो गई थी, उसने सुसाइड कर लिया था। काफ़ी ज़्यादा उसके लिए प्रोटेस्ट करे गए थे, और अब जाके उसको उसकी फैमिली को थोड़ा रिलीफ मिला जब उसके जो हस्बैंड थे उनको सज़ा मिली है। तो काफ़ी ऐसे केस हो जाते हैं, मजबूरी में लोग इतना बड़ा स्टेप उठा लेते हैं, बट मुझे नहीं लगता अपनी जान गवा के आप किसी चीज़ का सलूशन निकाल सकते हैं। बातों से भी मामले सुलझ सकते हैं, लेकिन कुछ लोग फैमिली अगर उनको बदमाश करते तब अलग बात है। अदरवाइज कोशिश करनी चाहिए कि आप लोग चीज़ों को मैटर को रिजॉल्व कर लीजिए, और ऐसा कुछ किसी में डिस्प्यूट होता है तो बेटर है सेपरेट होना, ज़्यादा मुझे लगता है कम्फर्टेबल रहता है। मेरे पर्सनल व्यू है, आप इसमें भी कमेंट करके ज़रूर बताएगी अगर ऐसे कुछ डिस्प्यूट होते तो आप क्या सोचते हो। आई थिंक सेपरेशन इज़ बेटर देन सुसाइड। अगर वो लड़की सेपरेट हो जाती उसकी फैमिली सपोर्टिव होती, उसमें इतनी विल पावर होती, तो वो स्टेप अहेड करके अपनी लाइफ को मूव ऑन कर सकती थी, वेल स्टेबल हो सकती थी। ज़रूरी नहीं कि आपको कंप्लीट होने के लिए ना किसी की हेल्प की, अपनी सेल्फ में भी खुद कंप्लीट हो जाते हैं आप पे थोड़ा टैलेंट हो। अभी यू आराम से सीरियस हो गए काफ़ी, पता नहीं क्या देख रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैबिन्स के सिस्टम है, तो जैसे आपको अगर एज ए कपल ट्रैवल करना है तो आपको मम्मा एक बार बता दें। तो अगर आपको एज अ कपल जैसे अभी न्यूली मैरिड किसी को जाना है तो आपको ऑप्शन मिलते हैं कि ठीक है जब आप ऑनलाइन बुकिंग करते हो तो 2 सीट का कैबिन चाहे फुल जो फैमिली कैबिन, तो हमने फैमिली कैबिन में भी सीट बुक करी थी और इसमें भी हमने ली थी। तो हमारी 3 सीट थी, हम लोग एक यहाँ पे थे 2 वहाँ पे थे। तो ये देख लीजिए, इसका व्यू देख सकते हैं आप कैसा है सामने। आपको ये ब्रेकफास्ट लंच कुछ भी करना है तो उसके लिए टेबल मिलते हैं जो फोल्डेबल होकर साइड में एडजस्ट हो जाते हैं नीचे स्टेयर्स की, और यहाँ से स्टेयर से आप चढ़ के ऊपर वाली उस पर बैठ सकते हैं।
जब आपको स्वेटिंग करनी है तो कम्फर्टेबल कम्फर्ट अकॉर्डिंग आप आपको ऐसे एडजस्ट करते हैं। अभी हम लोग उठे थे तो हमने नीचे डाउन कर रखा था क्योंकि फिर थोड़ा और ब्रॉड हो जाता है स्लीप। आपको अच्छे से आप कम्फर्टेबली सो सकते हैं। मिरर सामने भी देखिए कितना बड़ा मिरर मिलता है ये, और बैक साइड पे भी इसके एक स्मॉल सा मिरर है। चार्जिंग पॉइंट्स है, लाइट्स है, आपको टॉवल रखना है हैंग करना है तो उसके लिए भी आपको बिल्कुल बैक में ही शेल्फ सा मिल जाता है, इसलिए आप अपना कुछ भी टॉवल वगैरह कुछ भी हैंग कर सकते हैं। और बॉटल स्टैंड, और ये देखिए आपको जो स्पीकर की वॉल्यूम एडजस्ट करनी है हाई रखनी है उसके लिए वो नॉब दे रखा है, और यहाँ पे आप आराम से अपने टॉवल या कोई भी क्लोथ्स हैंग कर सकते हैं तो काफ़ी कंफर्टेबल जर्नी रहती है। आई थिंक आपको ट्रैवल करने स्वर्ण जयंती हो तो आई मस्ट से कि आपको फर्स्ट एसी ही नहीं बुकिंग लेनी चाहिए क्योंकि इसमें आपको बिल्कुल प्राइवेसी मिलती है और होमली फील होता है। वरना थोड़ा जैसे अगर आप औरों के साथ ट्रैवल करते हैं तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होती है, तो हम प्रेफर करते हैं हमेशा फैमिली हमारी ट्रैवल करती है तो हम इसी में बुकिंग लेते हैं। तो मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी मिलूंगी। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको फुल व्लॉग और हमारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय। फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। अभी देखिए बिल्कुल 8:15 और टाइम पे ट्रेन है, इवन जल्दी ही है। तो अब हमारी दिल्ली टू अहमदाबाद की जर्नी यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके कुछ भी अपनी क्वेरीज पूछें। इसमें मैं सारी ब्रेकफास्ट की डिटेल्स, हमें क्या क्या हमें ब्रेकफास्ट में अवेलेबल हुआ, हमें तीनों वैरायटी की चीज़ें मंगाई थी क्योंकि 3 पर्सन ट्रैवल कर रहे थे तो वो आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो हिट पे डाला तो सब्सक्राइब कर डाला। उन्हें मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे जल्द। बाय बाय।